तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन ने दश लक्षण महापर्व के पहले दिन उत्तम क्षमा पर ध्वजारोहण से दस लक्षण महापर्व का शंखनाद किया। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को वेदी से पालकी तक लाने का डॉक्टर एस के जैन ने पुण्य कमाया। सुबह 7 बजे श्री 1008 आदिनाथ भगवान को पालकी में बैठाकर दिव्य घोष के बीच रिद्धि सिद्धि भवन में पांडुशिला पर विराजमान किया गया। चारों स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य टिमिट के श्रावकों को प्राप्त हुआ। कुलाधिपति सुरेश जैन, वाइस ग्रुप चेयरमैन मनीष जैन ने सर्वप्रथम शांति धारा की। इसके अलावा आर्यन जैन, अक्षर जैन, तनिष्क जैन, पार्श्व जैन, अक्षर जैन, तनिष्क जैन, अक्षर जैन, ऋषभ जैन, अंश जैन को प्रथम स्वर्ण कलश से शांति धारा और डॉक्टर विनीता जैन के पुत्र को रजत कलश से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मौके पर कुलाधिपति के अलावा फर्स्ट लेडी श्रीमती बीना जैन, ग्रुप वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा जैन के संग संग फैकल्टीज और सैकड़ों श्रावक और श्राविकाएं मौजूद रहे। महापर्व के पहले दिन भोपाल की रजनीश जैन एंड पार्टी ने संगीत के जरिए कलशों में भरकर नीर छीर कलश ढारो रे ढारो नर नारी दीवाना गुरुवर का मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। मुरादाबाद नगरिया में प्रभु के जयकारे लगाए गए। उत्तम क्षमा धर्म पर सपुंचय पूजा, 16 कारण पूजा, पंचमेरु पूजा और दक्ष लक्षण पूजा विधि विधान से कराई गई। रिद्धि सिद्धि भवन में ब्रह्मचारिणी डॉक्टर कल्पना जैन, डॉक्टर आर के जैन, डॉक्टर एस के जैन, डॉक्टर अर्चना जैन, श्री विपिन जैन, डॉक्टर विनोद जैन, डॉक्टर रत्नेश जैन, डॉक्टर नर्मदा जैन, आदित्य जैन, आशीष सिंघई और अरिंजय जैन आदि मौजूद रहे। ध्वजारोहण से लेकर रिद्धि सिद्धि भवन में पूजा अर्चना तक वैभव जैन, पारस जैन, धार्मिक जैन, प्रयास जैन के संग संग श्राविकाएं भी भक्ति में लीन रही। इससे पूर्व उत्तम क्षमा धर्म पर दिव्य घोष के बीच जिनालय से श्री जी रिद्धि सिद्धि भवन में विराजमान कराए गए। पालकी यात्रा के दौरान कुलाधिपति के परिवार के संग समस्त TMU जैन परिवार भी शामिल रहा। इससे पूर्व कुलाधिपति सुरेश जैन ने ध्वजारोहण करके दस लक्षण महोत्सव का शंखनाद किया। प्रथम स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य अतिशय जैन, पाशु जैन, द्वितीय स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य जिनेन्द्र जैन, मेहुल जैन, तृतीय स्वर्ण कलश का सौभाग्य भानु सेठिया, अपूर्व जैन, जबकि चतुर्थ कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य BBA के अनमोल जैन, अक्षत मोदी को प्राप्त हुआ।